नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस वाला सड़क किनारे मॉल के सामने कपल को गोली मार देता है, जिसके बाद दोनों की मौत हो जाती है। वीडियो में घटना स्थल पर दूसरे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखते देखते ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक और एक पुलिस वाले के बीच किसी बात पर बहस हो जाती है और फिर पुलिस वाला उस आदमी को धक्का दे देता है। इसके बाद वो अपनी बंदूक निकालता है और उस आदमी को गोली मार देता है। इसके बाद जब उस आदमी के साथ मौजूद महिला पुलिस वाले के ऊपर चिल्लाना शुरू करती है तो पुलिस अधिकारी उसे भी गोली से मार देता है। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल श्रीवास्तव ने जांच की और सच्चाई की जानकारी दी। राहुल श्रीवास्तव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, #फैक्ट। एक रेस्टोरेंट के बाहर एक पुलिस वाला द्वारे की गई हत्या का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो सवालों और भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। उन्होंने आगे लिखा, कैफे के मैनेजर से वेरीफाई करने के बाद पता चला ये वीडियो हरियाणा के करनाल में फ्रेंड्स कैफे के बाहर शूट की गई वेब सीरीज का है। राहुल श्रीवास्तव के फैक्ट चेक पर ट्वीट पर कमेंट करते हुए कई यूजर्स ने वेब सीरीज पर रोक लगने की मांग की है। ट्विटर यूजर्स ने कमेंट करते हुए कहा, ऐसी वेब सीरीज जिसमें पुलिस विभाग की खराब छवि को दिखाया गया है उस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज।